जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन खजाना में। आज के वीडियो में हम आपके लाए हैं कुछ स्पेशल मुंह में पानी लाने वाली लजीज चीज पराठा की रेसिपी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीज पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लोई, जिसको हमने रोटी से हल्का टाइट गूथा है, और आटे में मोयन मतलब घी या तेल का इस्तेमाल करके इसको बनाया है। अब हम इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लेंगे। इसके बाद हम इस पर हमारे हिसाब से चीज ग्रेट करेंगे। बेसिकली ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है चीज पराठे के लिए, और हमने चीज पराठा बनाने के लिए इस लजीज अमूल चीज का इस्तेमाल करा है। आप होममेड चीज भी ट्राई कर सकते हैं। होममेड चीज का वीडियो हमारे चैनल पर है, तो आप जरूर उसको एक बार वॉच करिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। स्पाइसी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे चॉप करी हुई हरी मिर्च। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च बढ़ा सकते हैं। एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम पराठे को इकट्ठा करके पोटली जैसा बना लेंगे। अब इसका एक्स्ट्रा हिस्सा जो भी है वो हम रिमूव कर देंगे। ये लीजिए, हमारा गोला अभी रेडी है बिल्कुल स्टफिंग के साथ। अब हमें हल्के हाथों से इसे बेलना है और हल्का गोल बनाना है, और ध्यान रखना है कि बेलते समय हमारी स्टफिंग इसमें से बाहर ना निकले। देखिए, थोड़ा सा बेलने के बाद अब हमारा पराठा तैयार है। अब हमें इसे तवे पर डालना है जो कि मीडियम फ्लेम पर ऑलरेडी गर्म हो चुका है। एक साइड सेकने के बाद हम पलट देंगे और दूसरी साइड को भी सेक लेंगे। थोड़ी देर तक दूसरी साइड सेकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे घी। घी डालने के बाद अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है दोनों साइड से। ये बहुत ही लजीज रेसिपी है। अगर आपके बच्चे आनाकानी करते हैं पराठा खाने में, या फिर उनको टिफिन में ले जाने के लिए कोई अच्छी फ्लेवर वैरायटी नहीं मिलती है, तो आप इस चीज पराठे को आपके बच्चों को सर्व कर सकते हैं टिफिन में भी। तो लीजिए, कितना सिंपल था ये चीज पराठा बनाना, और आप इसको आपकी फेवरेट डिप के साथ ट्राई कर सकते हैं। हमने टमाटो सॉस, मेयोनीज एंड शेजवान सॉस यूज करा है। आपके पसंद के डिप्स के साथ इस चीज पराठे को जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं और चीज पराठा बना रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा आपका चीज पराठा कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।